ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज डिसाइडर मैच में शानदार सेंचुरी जड़कर कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। चौकों छक्कों से सजी इस पारी में उन्होंने मात्र 111 गेंदों पर 146 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 19 चौके वहीं 4 छक्के निकले। ऋषभ पंत ने अपनी इस पारी के दौरान भारत के पूर्व दिग्गज और सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और भारत की तरफ से फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ महज 93 गेंदों पर सेंचुरी पूरी करके रिकॉर्ड बनाया था और ऋषभ पंत ने महज 79 गेंदों पर सेंचुरी जड़ के इस रिकॉर्ड को पीछे कर दिया। वहीं अगर बात करें ओवरऑल बल्लेबाजों की, तो ऋषभ पंत तीसरे सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके पहले वीरेंद्र सहवाग का नाम आता है, जिन्होंने 2006 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ महज 78 गेंदों पर सेंचुरी पूरी करी। वहीं दूसरे नंबर पर मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम आता है, जिन्होंने 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ महज 88 गेंदों पर सेंचुरी पूरी करी थी। वहीं तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत ने अपनी जगह बना ली है और इंग्लैंड के ही खिलाफ महज 79 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की। हालांकि उनकी इस पारी के दौरान रविंद्र जडेजा ने भी उनका भरपूर साथ दिया और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच छठवें विकेट के लिए 222 रनों की साझेदारी हुई, जो अब तक भारत की विदेश में सबसे बड़ी साझेदारी थी।